नमस्कार मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी Tutor. तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन को आप कैसे यूज़ में ले सकते हो आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स में एक्चुअली देखो ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ हो गया अगर आप अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर आप जानते हो तो ऑब्वियसली कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो आपको पता होएगा कि ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन का हमारा क्या काम है राइट right? तो ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन को हम लोग किस तरह से यूज में ले सकते हैं कॉम्पोजिटिंग करने के लिए राइट right? तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्पलीटली किंग किंग के ऊपर में जो ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन है मेनली उसे हम लोग कवर करने वाले हैं तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं कि हम लोग ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन को किस तरह से यूज में लेते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक वीडियो फुटेज मैं लेके आ जाता हूँ कुछ ऐसा राइट तो आपको भी वीडियो फुटेज कुछ ग्रीन स्क्रीन वाली ले आ जानी है जिसके ऊपर आपको वर्क लेना है कुछ ऐसा जैसा भी आपको लगता है वैसे वीडियो फुटेज आप लेकर यहाँ पर आ जाओ राइट तो मेरे पास कुछ इस तरह के वीडियो फुटेज़ हैं जो कि आपको ले आ जाने हैं मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं आकर मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ ना दिस इज़ फाइन राइट एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जैसे कि मान लो मुझे ग्रीन स्क्रीन हटानी है तो आपको यहाँ पे किंग में आ जाना है तो मैं क्या करता हूँ सिंपल सा यहाँ पे आता हूँ इफेक्ट्स में एंड देन यहाँ पे किंग आपको ले लेना है राइट right? तो सिंपल सा आप किंग में आ जाओ सी तो यहाँ पर आपको किंग मिल जाएंगे तो क्लिक करो किंग में एंड देन किंग में आपको इतने सारे मिलते हैं देखो ग्रीन एंड ब्लू स्किन का रिमूव करना आप इजी वे में कर सकते हो बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ की लाइट यूज़ करता हूँ लेकिन अगर आपको और भी कुछ टेक्निक यूज़ करने हैं तो आप कर सकते हो अब जैसे कि मैं यहाँ पर कलर रेंज ले लेता हूँ सिंपल जस्ट एंड ड्रॉप कर दो कलर रेंज को एंड देन कलर पिक करके भी आप रिमूव कर सकते हो बट आप देख सकते हो कि इसके एजेस में आपको थोड़े से ग्रेनिश आपको दिख रहे होंगे तो फिजीनेस के अकॉर्डिंग आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो कुछ ऐसा तो फिजीनेस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो इवेन दो अगर आप चाहो तो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर ले लो अल्फ़ा राइट right? तो यहाँ से भी आप फिजनेस वगैरह को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो तो ये आप देख सकते हो कि आपका अल्फ़ा चैनल है वो कैसा दिख रहा है तो क्लिक करके फिर से आप आर मोड में आ सकते हो कि नाउ दिस इज़ फाइन एंड देन अगेन अगर आपको थोड़ा सा और क्लीन चाहिए होंगे यहाँ पे तो सिंपल सा आप की क्लीनर को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो तो देखो की क्लीनर जैसे यहाँ पे लेकर आए ना ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर मिल जाते हैं की क्लीनर तो आप थोड़ा सा और इनक्रीज कर सकते हो की क्लीनर को लेकर तो आप थोड़े से बेटर तरीके से आप इसको कम कर सकते हो ओके तो की क्लीनर के थ्रू भी आप यहाँ से ग्रीन कलर जो एजेस में दिख रहे हैं उसको आप कम कर सकते हो राइट एंड देन इवन दो एडवांस स्पिल वाले भी जो है टेक्निक उसको भी आप यूज़ में ले सकते हो मीन्स तो बोलने का मतलब है कि बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरह से रिमूव कर सकते हो अगर एक बार जब रिमूव हो गया यहाँ पे तो आपको करना क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ से एक और वीडियो फुटेज को ड्रैगन ड्रॉप कर देता हूँ तो सिंपली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ से वीडियो फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एज अ बैकग्राउंड तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही मैं इसको प्ले कर रहा हूँ आप चाहो तो ऑर्डर कर लो यहाँ पे right? एंड देन आप ईजी वे में इसको देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारा China... वर्क हो रहा है राइट right? मीन्स बहुत ईजी वे में आप इसको कंप्लीटली uh, रिमूव कर सकते हो अपने ग्रीन या ब्लू कोई भी है जस्ट कलर पिक करो एंड देन रिमूव कर दो राइट right? तो ये एक ऑप्शन है इधर भी एक और भी ऑप्शन है कि लाइक like, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सिंपली क्लिक करो एंड देन मैं कलर रेंज को भी हटा देता हूँ कलर रेंज की क्लीनर एडवांस पिल हटा दो एंड देन सिंपल मैं जो यूज़ करता हूँ वो की लाइट यूज़ करता हूँ तो सिंपल की, की लाइट को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप में ले सकते हो एंड देन क्लिक एंड देन क्लिक कर दो तो ये भी ज़्यादा बेस्ट है तो ग्रीन को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट है की लाइट को आप यूज़ में ले सकते हो तो मैंने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया आई I मीन mean जो भी ग्रीन है उसको मैंने रिमूव कर दिया एंड देन मेरे पास ये फाइनल आउटपुट आपको दिख रहे होंगे अब इसको भी बनाने का तरीका है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या क्या कुछ इस तरह से मैंने दो फुटेजेस ले लिए एक तो जैसे ग्रीन कलर का मेरे पास ये कुछ वीडियो फुटेज है एंड देन यहाँ पे मैंने ले ले रखा है ग्रीन कलर का राइट यहाँ पे आप देख सकते हो एंड देन मुझे इसको ग्रीन कलर को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा सिंपली अगेन की लाइट इसके ऊपर डाल दूंगा यहाँ पर एंड देन यहाँ से मैं ग्रीन कलर को पिक कर लेता हूँ एंड देन अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप जैसा भी चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर पोजिशन को ले लेता हूँ एंड देन पोजिशन को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ जहाँ पर भी आपको चाहिए होंगे कुछ ऐसा जहां पे भी आपको चाहिए होंगे पोजीशन को थोड़ा सा आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो इस स्टाइल में आप ले सकते हो राइट जहां पे भी आपको ऐड करने हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो ये वीडियो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहां पे कर दिया एंड देन फाइनल रिजल्ट आपके पास कुछ ऐसा है Fine. तो ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट की अगर फाइन तो ग्रीन स्क्रीन के यूजेस ऐसे हैं इवन दो अगर मैं एक दो और मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ कि कैसे आप यूज़ में ले सकते हो लाइक कि मैं तो आप जैसा देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मैं दो वीडियो फुटेजेज हैं एक तो मेरा सिंपल सा एक बैकग्राउंड है लाइक मैंने कुछ ऐसा बैकग्राउंड ले रखा है यहाँ पे एंड देन मैं ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैंने एक ग्रीन स्क्रीन कुछ इस तरह से मैंने ले रखा है एंड देन मैं क्या करता हूँ इस ग्रीन स्क्रीन को मैं की लाइट ड्रैगन ड्रॉप करता हूँ मैं देखो मोस्टली जो भी यूज़ करते हैं प्रोडक्शन वाले वो की लाइट ही यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इससे बेटर कुछ है नहीं एंड देन मैं भी यूज़ करता हूँ की लाइट तो सिंपली जस्ट क्लिक करो एंड देन रिमूव करो सी बट मुझे पोजिशन को थोड़ा सा ठीक करना है राइट बिकॉज ऑफ को पोजिशन ऊपर जा रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ ये जो कार वाले हैं ना इसके मैं पी प्रेस कर देता हूँ पी फॉर पोजिशन एंड देन थोड़े से पोजिशन को मैं नीचे की तरफ लेके आ जाता हूँ नो दिस इज़ फाइन राइट तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने पोजिशन को थोड़े से नीचे कर दिया वाई एक्सिस में थोड़ा सा आप देख लो कैसे हैं हाँ अब थोड़ा बेटर है अब आप देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ इस तरह से आप देखो तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप ले सकते हो जैसा भी आपको चाहिए होगा वहाँ से ड्रिफ्ट कर रहा है कार कुछ इस तरह से राइट जैसा आपको चाहिए होगा तो ये भी हम लोग लिया जा सकता है जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसे आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ ऐसे सी तो बहुत इजी वे में आप कर सकते हो लाइक ग्रीन स्क्रीन चेंज कर सकते हो एंड देन ऐसे आप वर्क में ले सकते हो लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो भी मेरा बैकग्राउंड है वो स्टील है तो आप स्टिल इमेज पे तो कुछ इस तरह से बना सकते हो लेकिन अगर आपके मूवमेंट हैं मुझे वर्क करना है तो फिर आप कैसे करोगे वो देखो अब जैसे मेरे पास ये वीडियो है राइट right? तो मेरे पास ये वीडियो आ चुके हैं एंड देन मैं चाहता हूँ इसके ऊपर किसी चीज़ से अटैक हो रहा है मुझे कुछ वैसा बनाना है फाइन तो कैसे आप ले सकते हो वो देखो ओके okay? तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ चुके हैं थोड़ा सा शॉर्ट करना है आप शॉर्ट कर सकते हो बट आई थिंक ठीक है ओके okay, तो मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ मिट्टो वाले सी फाइन जैसा भी चाहिए होगा क्रॉप कर लो ओके एंड देन इसको मैं लेके आ जाता हूँ कुछ ड्रैगन ड्रॉप कर दो ओके okay? अब देख देखो प्रॉब्लम क्या है जब भी आप इसको इस तरह से लेते हो ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको आप एडजस्ट कैसे करोगे वहाँ पे बिकॉज ऑफ़ ये मूविंग हमारा यहाँ पे है ओके ये मूव करता हुआ सा मुझे दिख रहा है Fine. तो सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है यहां पे आप चले जाओ ऑटो कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड देन यहां पे मैं यूज करता हूं कैमरा ट्रैकर तो थ्री डी कैमरा ट्रैकर आप यहां पे ले लेना थ्री डी कैमरा ट्रैकर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो फाइन तो ये हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है आप देख सकते हो कि ट्रैकिंग वाले जो है वो यहां पर आ रहे हैं कुछ ऐसा राइट right? जो यहाँ पे मेरा ट्रैकिंग पॉइंट्स है उसके साइज़ को थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूँ कि थोड़ा दिखाई दे कि क्या हो रहा है राइट एंड देन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ इफेक्ट अप्लाई करने के लिए तो मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पे आप ले लो कोई भी एक तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इतने को मैंने सेलेक्ट कर रखा है ये ज़्यादा परफेक्ट है सेलेक्ट कर लो राइट right क्लिक करो एंड देन सॉलिड एंड कैमरा ले लो अभी ये ज़्यादा बेटर है जहाँ पे वो स्टक होकर है राइट मुझे ऐसे ही चाहिए थे एंड देन कार्ड को अगर आप थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ मैं आर प्रेस करता हूँ या थोड़े से आर प्रेस करके मैं क्या करता हूँ इसको ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे नहीं जो मैंने कार्ड लगा रखे हैं इस कार्ड को आपको करना है क्या सेलेक्ट करो एंड देन आर प्रेस कर दो रोटेशन तो पहले ही मैं थोड़ा तो सा रोटेट कर लेता हूँ इसको अपने जिस तरफ मुझे चाहिए होगा वैसा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ इतने बड़े साइज जैसे अभी आपको चाहिए होंगे वैसे आप थोड़ा तो सा रोटेशन कर लो अपने अकॉर्डिंग राइट एंड देन प्रेस करके थोड़ा सा मैं साइज को इंक्रीज कर देता हूँ लाइक like इतना फाइन बिकॉज ऑफ कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो मेरे वीडियो फुटेज हैं इस वीडियो फुटेज को मैं ये वाले नहीं जो मेरे पास सेकेंड वीडियो फुटेज है इस वीडियो फुटेज को मैं क्या करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ यहाँ पे फाइन तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑल्ट एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसके अंदर में फाइन जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे तो मैं कुछ इस तरह से मैं चाहता हूँ कि ये आए एंड देन हीट करे बिल्डिंग के ऊपर राइट बट मैं थोड़ा रोटेशन चाहता हूँ एंड देन आप देख सकते हो इसके रोटेशन भी थोड़ा सा रॉन्ग है तो मैं फर्स्ट काम तो आप ये करो कि इसके ऊपर आप चले जाओ एंड देन ले लो यहाँ पे किंग में चले जाओ एंड देन किंग में जाकर आप यहाँ पे की टू पॉइंट वन को आप ड्रैगन ड्रॉप करो एंड देन फर्स्ट रिमूव कर दो राइट right? सी तो आपका पहला काम तो यही है कि आपको कुछ इस तरह से ले लेना है जैसा मुझे मैं यहाँ पे मैं ले पा रहा हूँ सी सिंपली ऐसा बट हीट हो रहा है अब मुझे इसको क्या करना थोड़ा तो सा रोटेट करना है अपने हिसाब से थोड़ा तो सा क्या करना है इसको रोटेट कर दो कि किस डायरेक्शन से आपको चाहिए हो मिट्योर तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तो सा इस डायरेक्शन से मिट्योर आ जाए वन डायरेक्शन ओनली सी ऐसा फ़ाइन तो सिंपल सा ये आएगा एंड देन यहाँ पे हीट कर जाएगा कुछ ऐसे फाइन तो जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको क्या करना है इसको हीट करा देना है कुछ ऐसा ठीक है तो आप देख सकते हो तो एंड देन थोड़े से आपको इसको रोटेट वगैरह कर लो अच्छे तरीके से जैसा आपको चाहिए होगा वैसे ही आप यहाँ पे रोटेशन ले लेना कुछ ऐसे ओके एंड देन थोड़े से मैं नीचे कर देता हूँ सी कुछ ऐसा फाइन तो कुछ इसके साथ साथ ही वो मूव करता हुआ चाहेगा एंड देन थोड़े से पोजीशन आप थोड़ा सा चेक कर लो बिकॉज ऑफ़ कोई पोजीशन मुझे थोड़े से आपको चाहिए होंगे नीचे ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा बेटर पोजीशन है तो आपको थोड़ा से एडजस्ट कर लेना है एंड देन आप देख सकते हो आपके मिट्टर का इफ़ेक्ट ओके okay? तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप बना सकते हो जैसा भी आपको अगर मिट्टी और हीट कराने हैं कुछ भी कराने हैं तो इस तरह के आप कुछ भी ले सकते हो कैसे भी आप इफ़ेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो ओके ट्रिम है ना देख सकते हो आप कुछ ऐसा तो ये बिल्डिंग के साथ साथ ही ये मूव होता हुआ जाएगा बिकॉज ऑफ कि मैंने उसको फिक्स कर रखा था वहाँ पे तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो बहुत ही इजी वे में ग्रीन स्क्रीन एंड कुछ भी आप ऐसा बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो बहुत ही ईजी वे में राइट right? तो ये तो बहुत ही बेसिक बट आप समझाने के लिए कि किस तरह से आप थ्री आई मीन किस तरह से आप आ, ग्रीन स्क्रीन को यूज़ में ले सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से जस्ट रिमूव करो एंड देन कहीं पे भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो अगर आपको इमेज के ऊपर चाहिए होंगे तो इमेज के ऊपर भी ले सकते हो और अगर आपको किसी जो कैमरा ट्रैकिंग वाले जो वीडियोज़ हैं या जिसमें कैमरा आपका ऐड है जिस वीडियो फुटेज में वीडियो में तो उस पर भी आप कैमरा ट्रैक करके अप्लाई कर सकते हो एंड देन उसको आप मैच मूव कर सकते हो मीन्स आप उसको कैमरा के थ्रू उसको आप मैच कर सकते हो उसके जो मोशन है उसको मैच करा सकते हो कुछ इस तरह से तो ये मेरा बहुत बेसिकसा था लेकिन एक समझाने के लिए कि किस तरह से ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन वर्क करता है तो ये था आज अच्छा का हमारा वीडियो ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन के ऊपर में आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा तो इसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को अपने वर्क्स को और भी इन्हांस कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स के लिए भी बहुत नई नई चीजें बना सकते हो और खुद के लिए भी तो ये था आज का हमारा टॉपिक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इस तरह से बरकरार रखें मिलते हैं हम लोग ऑफ इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार टेक केयर